हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्रिप। आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल 60 जीके ट्रिप पर। दोस्तों, एनएफटीएल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो कि हम चैप्टर नंबर 2 सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और जो लॉकडाउन की प्रॉब्लम है उससे जो कि आपकी स्टडी रुके ना। तो दोस्तों, हम NFTL इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ सेमेस्टर जो कि पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आज सिमेट्रिकल नेटवर्क और असिमेट्रिकल नेटवर्क। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल लीगल थ्योरी के हिसाब से आपको बताता हूँ, आपको यही लिखना है और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। तो दोस्तों, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? देखिए, सिमेट्रिकल नेटवर्क हमारे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिसके इनपुट व आउटपुट जो टर्मिनल्स को अगर हम बदल देते हैं, उस टर्मिनल को बदल देने पर नेटवर्क के विद्युत जो कि अभिलक्षण, जैसे कि हमारा प्रतिबाधा हो गया, प्रोगेशन हो गया, नेतांक हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ये अप्रभावित रहते हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स को हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये ग्राफिकल मेथड से सारा समझा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। यही इसकी एक छोटी सी थ्योरी है, मैं आपको ग्राफिकल मेथड से ये सब कुछ याद करा दूंगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिकल का टी टाइप का नेटवर्क है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो नेटवर्क्स होते हैं टी टाइप, ठीक है, एल टाइप और ये इस तरह से हमारे नेटवर्क्स होते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें आपको अभी बहुत कुछ जानना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको नहीं जानोगे, हालांकि क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये आपसे एग्जामिनर 100% पूछता है कि बताइए सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और जो कि हमारे बैलेंसड अनबैलेंसड नेटवर्क, ये सब आपसे पूछा जाता है जो कि वाइवा के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया सिमेट्रिकल नेटवर्क, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि सिमेट्रिकल नेटवर्क वह नेटवर्क होते हैं जिनमें इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों को बदल देने से नेटवर्क के विद्युत अभिलक्षण, जैसे उसकी अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा और प्रोगेशन, नेतांक आदि, ये इस पर अप्रभावित रहते हैं। ऐसे नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा ये सिमेट्रिकल का ये पाई नेटवर्क है और ये हमारा टी नेटवर्क है। तो ये आपको ध्यान से इस इमेज को कॉपी में नोट कर लेना है। यही नेटवर्क्स पूछता है, जिनके पास बुक है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो जो क्या कहते हैं इसको देखते चले, और साथ ही साथ जिसके पास बुक्स वगैरह कुछ नहीं है वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और जो कि जो नोट्स पड़े हैं उस बुक जो कि क्वेश्चन बैंक या बुक्स के जो भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के दो सर्किट हैं, इन दोनों सर्किट्स को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसा ही बनाना है आपको, कोई इसके अंदर इंटरचेंजिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क हो गया, इस पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है यहाँ पर हमने, इसका ये टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2, ठीक है, 1-1, 2-, ये हमारा हो गया टी नेटवर्क। और सेम कंडीशन हमारा पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क में बस आप ये मान के चलिए। देखिए, टी नेटवर्क में जो शेप बनता है, आप लोग थोड़ा सा ट्रिक देखिए, टी में क्या होता है, टी इस तरह से बनता है। तो जब भी मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जाते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, माइंड में एक इमेज सेट करनी है आपको टी, और टी के अंदर क्या करना है, एक आपको जो कि डायोड ही मान लीजिए, चलिए डायोड मान लीजिए या कुछ भी रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो ये आपको एक इधर लगा देना है और एक इस तरह से आपको लगा देना है। जब आप इसको लगा दोगे तो आप देखोगे कि ये टी की फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये टी की फॉर्म में आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या है हमारा, ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी तरह से आप मान लीजिए कि हमारा पाई नेटवर्क कैसे होता है। देखिए, पाई की कुछ इमेज आप देखिए कि कुछ इस तरह से बनता है, अगर हम बड़ा बनाए तो, ठीक है, कुछ बच्चे इस तरह से पाई बनाते हैं। जब इस तरह से जो हम लोग पाई बनाते हैं, तो बस यही उनकी एक ट्रिक है कि इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस सेट कर देना है, एक यहाँ पर सेट करना है आपको, और एक यहाँ पर सेट करना है, और एक यहाँ पर सेट करना है। तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा पाई नेटवर्क होता है वह इस तरह से होता है। और याद रखना, ये सिमेट्रिकल का है, और क्या होता है, इसके नियतांक और प्रोग्रेशन जो कि अप्रभावित रहते हैं इनपुट और आउटपुट के, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ असिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके दोस्तों, हमने अभी सिमेट्रिकल को पढ़ा, और असिमेट्रिकल नेटवर्क में थोड़ा सा एक और देख लीजिए आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिमेट्रिकल नेटवर्क है ये जो टी टाइप्स का होता है, ठीक है, बट ये अनबैलेंसड। देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क का टी नेटवर्क और ये इसका पाई नेटवर्क,
लेकिन इसमें आपको बैलेंसड और अनबैलेंसड भी देखने हैं। तो देखिए ये जो है सिमेट्रिकल टी नेटवर्क सेम स्वरूप ऐसा का ऐसा ही रहता है, जेड वन अपॉन ठीक है जेड वन जेड वन जेड टू, ऊपर के दो तो सेम रहेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया था, इनपुट व आउटपुट पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए जेड वन जेड वन और जेड टू नॉन इंटरचेंजिंग, बट क्या है ये अनबैलेंसड है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या पड़ेगा, इसको अपॉन में सब पे टू लिख दीजिए, ये बैलेंसड हो जाएगा ठीक है। वन 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 डैश टू डैश ओके वन बाई टू। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, जेड वन जेड वन अपॉन टू सबके नीचे आपको यही कर देना है। यहाँ पर भी आपको यही सेम कंडीशन करनी है और यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम आपको यही करना है। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क यहाँ से बैलेंसड हो जाता है। उसके बाद आता है असिमेट्रिकल नेटवर्क। असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है समझिए इसको। देखिए असिमेट्रिकल नेटवर्क में लिखेंगे कि असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल्स को अगर हम बदल बदल देने से इसके नेटवर्क में विद्युत अभिलक्षण बदल जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी थ्योरी है इसकी। सिमेट्रिकल में क्या होता था, इनपुट आउटपुट को बदल देते थे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम इनपुट व आउटपुट टर्मिनल्स को बदल देते हैं तो उसके नेटवर्क के जो कि विद्युत अभिलक्षण होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो चेंज हो जाती है। तो आप एक असिमेट्रिकल नेटवर्क का आपको ये ग्राफ दिख रहा है ठीक है। तो ये इसका कैसा नेटवर्क है, पहले आप इसकी शेप देखिए। जब आप इसकी शेप देख लोगे तो आपको ये खुद बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये टी नेटवर्क जो है टी जो कि टी परिवार से रिलेटेड करता है ठीक है। तो ये हमारा है असिमेट्रिकल नेटवर्क का टी नेटवर्क। ओके दोस्तों, आप जब भी इसको देखेंगे तो इसका जो भी देखिए ये मान और ये मान और ये मान हमेशा चेंज मिलेगा ठीक है। ये इसमें सबसे बड़ी देखने की बात है, क्योंकि आप देखिए इसमें आप खुद देखिए सिमेट्रिकल नेटवर्क के अंदर ये आप सिमेट्रिकल देखिए, इसका ये मान और ये मान हमेशा एक जैसा देखने को मिलता है, बट असिमेट्रिकल नेटवर्क जो होता है उसका हमेशा देखने को आपको चेंजेस मिलेगा। जैसे कि आप देख रहेंगे यहाँ पर 30 ओम है, यहाँ पर 50 ओम है और यहाँ पर 40 ओम है ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी और ना ही इससे ज्यादा आपको कोई समझा पाएगा। आगे आप देखते हैं, आगे आप देखेंगे असिमेट्रिकल का पाई नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क जो होते हैं वो टी पाई और लंड ये तीन चार प्रकार के नेटवर्क होते हैं, इसके अलावा नेटवर्क कभी भी नहीं होंगे ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर इसकी थ्योरी के हिसाब से पहले आप फिगर को देखेंगे ठीक है। इसको आप भूल जाइए, इसको आप थोड़ी देर के लिए ये मत देखिए कि ये असिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। देखो मैं आपको कैसे याद कराता हूँ, आपको पहले इमेज देखनी है किसी भी सर्किट की, नाम आपको पहले से डिसाइड नहीं करना है। जब आप इमेज देख लोगे तो पहले तो ये डिसाइड हो रहा है क्या हो रहा है कि ये जो टी शेप में बन रहा है तो ये तो फिक्स हो गया, ये सॉरी ये जो है इस फॉर्म में बन रहा है पाई फॉर्म में। जब ये पाई फॉर्म में बन रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है पाई नेटवर्क है ठीक है। दोस्तों आपको ये यहां से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। और इसके अंदर क्या था, ये टी फॉर्म में बन रहा है तो ये हमारा टी नेटवर्क है, और ये हमारा पाई की शेप में बन रहा है तो ये पाई नेटवर्क है। अब असिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का कैसे पता लगाना है आपको, तो देख लेंगे ऊपर से 20 ओम यहां दिख रहा है, 30 ओम यहां, 50 ओम यहां, सिंपल सी बात है, दिस इज अ असिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके दोस्तों क्या समझ में आया आपको, बिल्कुल यही चीज आपको यही आपको एग्जाम में लिखना है, सेट कर लीजिए। थ्योरी है और कुछ नहीं है, रटने वाले रटते ही रह जाएंगे और जो समझने की चीज है आप उसको समझिए ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, चार क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं हो जाता है, समझना सबसे बड़ी चीज होती है ठीक है। अगर आपने समझ रखा है लाइफ टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेगा, रट रखा है तो एग्जाम टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ओके देखिए, तो इससे आपने जाना कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल की आपको पहचान हो चुकी है। आगे आता है इस सिमेट्रिकल नेटवर्क का बैलेंसड और अनबैलेंसड नेटवर्क। तो यहाँ पर भी क्या बताया था मैंने आपको, कुछ नहीं करना है, पहले तो ये देख लेना है सेफ क्या है, ये टी परिवार का नेटवर्क है, और जब ये टी जो कि टी रिलेशन से जो कि टी से रिलेट करता है तो सिंपल सी बात है ये क्या है अनबैलेंसड। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके अपॉन में जैसे कि जेड वन है तो अपॉन में टू करना है, ये इसके टर्मिनल्स के लिए और इसके टर्मिनल्स के लिए जो भी इसकी वैल्यू रहेगी आपको अपॉन में टू करना है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मैं अगर आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो बनाने की और भी ज्यादा कोशिश करूंगा, आपको जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा जिससे आपको क्या हो सके कम से कम टाइम में आप लोग अपने कोर्स को कवर कर सके। अब मैं आपको कुछ नेटवर्क्स दिखाता हूँ ठीक है, कि कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं उसको आप देखते चलिए। देखिए आता है नेटवर्क्स का क्लासिफिकेशन। ओके
टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि जो नेटवर्क होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो आपको मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, ठीक है, कि नेटवर्क्स को पहचानना। तो पहचान लिया आपने, ये तो सिंपल सी बात है। कौन सी सेफ आ रही है? दोस्तों कुछ नहीं आ रहा है, ये टी नेटवर्क आ रहा है। एक कंपोनेंट्स यहाँ पर लगाइए, रेजिस्टेंट लगा दीजिए चाहे डायोड लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये जाना ऐसे लगा कुछ टी नेटवर्क प्रकार का है। तो दोस्तों टी नेटवर्क ये होता है हमारा, ओके। और देखिए थोड़ी सी एक चीज और, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है, तो ऊपर के दोनों चीज देखनी है आपको। ऊपर का सेम मिला, नीचे का अलग मिला, सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कीजिए, और थोड़ी सी आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको भी भूले ना। तो देखिए टी नेटवर्क की थोड़ी सी आप लोग थ्योरी जान लीजिए, ओके। तो दोस्तों आप लोग जो कि टी नेटवर्क की थ्योरी है, मैं अपने आपसे आपको बताता हूँ, जो कि सेम टू सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो जो टी नेटवर्क की थ्योरी है, तो जो इसका जो होता है, इस नेटवर्क में हमारी जो प्रतिबाधाएं होती है, ठीक है, ये इसका जो संयोजन होता है ये टी आकार का होता है। ये बात तो सभी को पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है, क्योंकि ये टी शेप में दिख रहा है तो ये टी शेप का होता होएगा, ठीक है। तो इसकी आकृति टी टाइप की होती है, और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दो दो सीरीज होती है, क्या होती है, दो सीरीज, ठीक है, दो सीरीज और एक पैलर में लगी होती है। तो ये होती है हमारी टी, जो कि टी नेटवर्क का हमारी जो कि छोटी सी थ्योरी है। फिर से बता दे रहा हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इस नेटवर्क की जो प्रतिबाधा होती है वह टी आकार के जैसी होती है, ठीक है, और इसके अंदर दो दो सीरीज में यानी कि श्रेणी प्रतिबाधा है, और एक पैरेलल में यानी कि एक समांतर प्रतिबाधा आकार में जो कि यह संयोजित होती है, जिसको हम टी नेटवर्क कहते हैं। आपको इस समझ में आ गया होगा। और अगर जैसे यहाँ पर ये 2 ओम लगा है तो आप 2 ओम बोलिए चित्र के हिसाब से, और नहीं तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर Z1 और इसके अंदर Z2, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि Z1 और Z2 हमारा सीरीज के अंदर होता है और बाकी हमारा पैरेलल के अंदर लगा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी टी नेटवर्क की थ्योरी। अब हम देखते हैं अगला नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा है अगला नेटवर्क, ठीक है। तो हमने टी नेटवर्क को हमने देखा, इस तरह से हमारा टी नेटवर्क होता है, और ये बैलेंसड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है। बैलेंस में कुछ नहीं करना है, Z1 के अकाउंट नीचे 2 लगाना है। आगे आता है एल नेटवर्क। देखिए एल नेटवर्क कैसा होता है, सिंपल सी बात है, एल जो होता है हमारा इस शेप में एल होता है। अब आपको एक रेजिस्टेंस चाहे इधर लगाना है, चाहे रेजिस्टेंस लगाइए, चाहे आप लोग डायोड लगाइए, कुछ भी लगाइए। देखिए मैं यहाँ पर एक ये लगा देता हूँ प्रतिरोध, एक तरह से मान लीजिए, और एक इस तरह से लगा देता हूँ। तो इसकी सेप को चाहे मैं इस तरह से लिख दूं और चाहे इस तरह से लिख दूं, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, एल बनना है बस। वही इसमें किया गया है, देखिए 2 ओम का इधर और 2 ओम का इधर लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एल नेटवर्क, ओके। इसकी छोटी सी थ्योरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लोग सुन लीजिए, चल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एल नेटवर्क की थोड़ी छोटी सी थ्योरी बताता हूँ अपने मुंह से। तो दोस्तों जो एल नेटवर्क होता है, एल नेटवर्क की आकृति जो कि एल आकार की होती है, और जो हमारा एल नेटवर्क होता है वह हमारा असिमेट्रिकल टी नेटवर्क की भांति माना जाता है। इसकी एक सीरीज होती है, उसकी जो ब्रांच होती है वह हमारी शून्य होती है, ठीक है। ये एल नेटवर्क की छोटी सी थ्योरी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी थ्योरी है। उसके बाद आता है ब्रिज नेटवर्क, ठीक है, ब्रिज का टी नेटवर्क। देखिए ब्रिज किसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है, जहां सीरीज भी हो पैरेलल भी हो ये सब लगे होते हैं, ये ब्रिज नेटवर्क हो गया। देखिए ब्रिज बनता कैसे है, तो यहां पर पूछा है आपसे ब्रिज टी नेटवर्क। तो पहले बात तो आपको टी का जो कि रिलेशन देखना है, टी किस तरह से बनता है, ठीक है। ये टी बन गया, एक यहां पर आप लोग कुछ भी लगा दीजिए, श्रेणी प्रेणी इधर एक आप लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए। देखिए ये बन गया हमारा टी नेटवर्क, लेकिन इसको हमें ब्रिज बनाना है। दोस्तों ब्रिज में आपको पता है चीजें क्या होती है, उठ के चलती है हमेशा ऊपर से। तो आपको कुछ नहीं करना, एक ऊपर लगा के इस तरह से आपको बना देना है। तो आप देखेंगे जो आपके सामने एक जो शेप बनता है, इमेजेस बनती है, वो इस आकार की बनती है। ये हमारा ब्रिज नेटवर्क होता है, ठीक है। और ब्रिज नेटवर्क की बात करूं मैं, तो दोस्तों ये हमारा सबसे जो कि नेटवर्क है, और इसके अंदर आप टी नेटवर्क में आपको पता ही है, ठीक है, दोनों इनपुट जो आउटपुट है सेम और बाकी का अलग। तो टी नेटवर्क के जो कि ब्रिज नेटवर्क हमारा यही होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए मैं इसकी एक छोटी सी थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। तो दोस्तों थ्योरी को ध्यान से सुनिए, देखिए ब्रिज टी नेटवर्क क्या होता है। तो ब्रिज जो टी नेटवर्क होता है वह हमारा टी नेटवर्क के समान होता है, और वह एक अन्य से इम्पीडेंस यानी कि वह स्वतंत्र होता है। और बात करते हैं तो टी नेटवर्क होता है, और सॉरी टी का जो ब्रिज नेटवर्क होता है
यदि जो हमारा जो ब्रिज नेटवर्क होता है इसकी श्रेणी प्रतिबाधा है, जो श्रेणी होता है ये हमारी प्रतिबाधा है अगर समांतर होती हैं तो सिमेट्रिकल ब्रिज टी नेटवर्क कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा सिमेट्रिकल टी ब्रिज नेटवर्क कहलाएगा, और बैलेंसड फॉर्म में है, अनबैलेंसड फॉर्म में जो भी है ये यही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो ये आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आप चाहते हैं इसका देखिए कुछ नहीं रिवीजन की तो जरूरत नहीं है, आप लोग इतना ही बहुत है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए वही बहुत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज हमारा जो कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क, और कल हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बैलेंसड और अनबैलेंसड नेटवर्क। ध्यान दीजिए क्या पढ़ेंगे, बैलेंसड और अनबैलेंसड नेटवर्क, ओके। तो दोस्तों कल आपको ये याद रखना है, कल आप सभी को पढ़ना है, आना है, बैलेंसड नेटवर्क और अनबैलेंसड नेटवर्क को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करके बताइए कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, ग्रुप आपने अभी तक अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उस ग्रुप को जो कि ज्वाइन कर लीजिए। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, एक वीडियो दे दी थी मैंने आपको, उसमें सारा बता दिया है कितना आपको डोनेट करना है, कैसे करना है, और नंबर भी दे दिया है वहां पर। आप एट पॉलिटेक्निक मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और वहां पर आपको जो कि पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, क्लास की जो भी वीडियो बनती है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप एक बार वीडियो देख के और दूसरी बार रिविजन कर सकते हैं उस पीडीएफ के माध्यम से। और साथ ही साथ जो कि क्वेश्चन बैंक या सरन जो भी रहेगा उसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के साथ ज्वाइन रहिए, कुछ नहीं जाता है, 25 रुपीज में, ठीक है, ऐड हो जाइए, ये लगभग तो लाइफ टाइम के लिए ही है, ये सेमेस्टर आपका पूरा इससे करा दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इससे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, थैंक यू।